To my channel, and we are going to continue with the chapter number 1 of snapshot. This is page number 4. We'll continue. And before I start explaining, मैं आपको याद दिलवा दूँ, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और प्लीज फॉलो एंड शेयर जरूर कीजिए चैनल को. ओके, लेट स्टार्ट. नाउ आपने देखा कि दोनों ने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर दी, मॉरिट एंड एरम जो दोनों कज़न थे. उसके बाद एंड में कज़न मॉरिट ने एरम को बोला, अब नीचे उतरो, आई वांट टू राइड अलोन. तो एरम ने पूछा कि मुझे भी राइडिंग करने दोगे अकेले? उसने कहा ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है, दैट्स अप टू द हॉर्स. अगर हॉर्स तुम्हें राइड करने देगा तो. उसने कहा, एरम ने कहा, यस हॉर्स विल लेट मी राइड. छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है बेचारा. एंड उसने कहा अच्छा अच्छा देखेंगे, ये मत भूलो कि आई हैव ए वे विद हॉर्स. ये देखो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना सेंटेंस, आई हैव ए वे विद हॉर्स, ये मॉरिट का पेट सेंटेंस है. जैसे उसके अंकल खोसरोव का पेट सेंटेंस था ना, डोंट पे अटेंशन, इट्स नो हार्म. ऐसे ही मॉरिट का तुम देखोगे 3-4 बार, 3-4 times he speaks this sentence in the chapter. Okay, तो एरम छोटे बच्चे की तरह कह रहा, मेरा भी यही होगा. ओके, बिकॉज़ फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी मत, लेट अस होप एंड गेट डाउन. उतर गया एरम एंड ओके, एंड कजन मॉरिट ने हॉर्स को किक किया एंड हॉर्स जम्प्ड ऑन टू हिज हील्स एंड शाउटेड. और मॉरिट ने कहा वजीरे रन. वजीरे किसके लिए यूज किया? हॉर्स के लिए. एंड द हॉर्स स्टैंडिंग ऑन इट्स हाइंड लेग्स, आगे वाली जो फ्रंट लेग्स थी वो तो उसने हॉर्स ने उठाई, एंड हाइंड लेग्स को हाइंड लेग मीन बैक लेग्स पे खड़े होके, एंड ही स्टार्टेड रनिंग बस इन टू द फ्यूरी ऑफ स्पीड. फ्यूरी मीन्स लाइक वेरी एक्सट्रीम स्पीड. एंड दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग. जब हॉर्स ने राइडिंग स्टार्ट की तो एरम इज सेइंग दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग, जो हॉर्स का एक्शन था. एंड मॉरिट स्टार्टेड रेसिंग द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास इन एन इरीगेशन डिच. इरीगेशन डिच क्या होता है? जो इरिगेशन चैनल बना होता है फील्ड्स में देने के लिए, वाटर करने के लिए. ओके, एंड इट क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स. डिच क्या होता है? ये भी एक चैनल होता है वेस्ट वाटर को फ्लो करने के लिए. एंड 5 मिनट में बिल्कुल गीला होके वापस आया. क्यों गीला हुआ हॉर्स? बिकॉज इरिगेशन डिच की तरफ गया था तो वहाँ पानी से गीला हो गया. ओके, एंड देन it was because they started their riding early in the morning. अब the sun was rising और एरम ने कहा जल्दी से कि अब मेरी टर्न है. एंड मॉरिट got off the horse. उसने कहा ओके यू स्टार्ट राइडिंग. एंड एरम sat and started riding the horse and it was awful fear imaginable. Awful fear imaginable. The horse did not move. Now you can see the excitement of Aram. कितना excited था horse पे बैठ के. और awful means, otherwise awful means bad होता है, bad fear. Okay, क्योंकि horse move ही नहीं किया horse ने. कदन ने कहा कि kick करो, क्या wait कर रहे हो? क्योंकि हमें वापस भी छुपाना है उनको जब तक सब लोग उठ ना रहे. वर्ड इज अप का मतलब ऑल पीपल गेट अप. एरम ने हॉर्स को किक किया, फिर से हॉर्स ने रियर एंड स्नॉटेड, पीछे रियर्ड का मतलब पीछे उठा एंड स्नॉट किया. स्नॉट मीन्स लाइक नाक से आवाज निकालना, नोज से आवाज निकालना. और देन इट स्टार्टेड रनिंग. अब अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच की तरफ जाने की बजाय हॉर्स कहाँ चला? रैन डाउन द रोड विनयार्ड, डिकरन हालाबिन के विनयार्ड की तरफ.
और फिर वाइन्स थी, ग्रेप वाइन थी, उनको क्रॉस करके भागता रहा एंड सेवन वाइन्स को क्रॉस कर गया और फिर एरम क्या हुआ, एरम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया एंड इट फेल, सॉरी एरम फेल एंड देन हॉर्स स्टिल कंटिन्यूड रनिंग। अब मॉरट देख रहा था ये सब, एकदम भाग कर आया और उसने उसने देखा एरम गिरा हुआ, लेकिन उसने कहा आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, आई एम वरीड अबाउट द हॉर्स। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल वो ऑनेस्ट फैमिली से बिलोंग करता था और इसीलिए वो चाहता था कि हॉर्स मिल जाए बस। ओके ओके एंड एरम कंटिन्यू डाउन द रोड, दोनों के दोनों स्टार्टेड सर्चिंग द हॉर्स एंड मोरट वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच। आधे घंटे तक ढूंढते रहे, फिर उन्हें हॉर्स मिला एंड देन उन्होंने वो कहाँ छुपाया, क्योंकि अब तक सारा सब जाग चुके थे, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब हम क्या करेंगे, एरम ने पूछा। उसने कहा डोंट वरी, मैं उसे छुपा दूँ और फिर कल हम सुबह फिर राइडिंग करेंगे। ओके और मोरट को, मोरट वाज नॉट वरीड, ही डिडंट साउंड वरीड, का मतलब उसको कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसने एक हाइडिंग प्लेस देखा हुआ था। ओके और वहाँ उसे छुपा दिया। ओके नाउ उसने फिर से क्योंकि एरम को तो डाउट था ना, इसलिए उसने फिर से क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी कि कितना टाइम हो गया तुमने हॉर्स चुराए हुए। तो उसने एकदम से एरम के माइंड में आया, इट सडनली डॉन्ड, इट रेफर्स टू थॉट ऑफ आस्किंग एंड उसने कहा कि कितने टाइम हो गया तुम्हें राइडिंग करते हुए अर्ली मॉर्निंग एंड कितना मेरा दिल करता था राइड करने, मुझे कितना लेट तुमने बुलाया। ओके तो मॉरट ने एकदम से बोला किसने कहा तुम्हें मैंने हॉर्स चुराया है। ओके तो देन उसने कहा आज ही तो मैं लाया हूँ हॉर्स को। तो उसने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो, आर यू टेलिंग द ट्रूथ। उसने कहा ऑफ कोर्स नॉट, बट इफ वी आर फाउंड आउट व्हाट यू आर टू से आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस हॉर्स। उसने कहा ये बात ही मत करो, सिर्फ दिस इज द फैक्ट दैट वी आर राइडिंग द हॉर्स जो हम चाहते थे। एरम भी मान गया क्योंकि उसका तो यही ड्रीम था। ओके और वो हॉर्स को, मॉरट हॉर्स को कहाँ ले गया, क्वाइटली ही टुक द हॉर्स टूवर्ड्स द बार्न ऑफ डिजर्टेड विनयार्ड, डिजर्टेड मीन्स लोनली, बिल्कुल अलोन विनयार्ड था एक वहाँ पर, जो कि कभी फार्मर फितवा दीन का प्राइड होता था, उसका फार्म होता था और वहाँ पर कुछ ओट्स एंड ड्राई एल्फाल्फा थे। ओके अब वहाँ छुपा के वो घर की तरफ चल दिए। ओके उसने कहा रास्ते में मॉरट अपना बोस्ट कर रहा है एरम के सामने एंड ही सेड कि ये इतना आसान नहीं है कि हॉर्स को इतना नाइसली बिहेव किया, ये तो मेरा अपना तरीका है, आई हैव अ टेक टू कंट्रोल द हॉर्स। ओके क्योंकि तुमने देखा इट वांटेड टू रन वाइल्ड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, बिकॉज आई हैव ए वे विद हॉर्स। देखो अगेन दिस इज द सेकंड टाइम दिस सेंटेंस इज कमिंग स्पोकन बाय मॉरट। ओके उसने कहा कि मैं कुछ भी करवा सकता हूँ क्योंकि हॉर्स मुझे समझता है। तो एरम छोटा है बेचारा, वो मान गया। उसने कहा अच्छा तुम कैसे कर लेते हो, उसने कहा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है मेरी हॉर्स के साथ। अच्छा किस तरह की अंडरस्टैंडिंग, उसने कहा सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। ओके एंड उसने कहा आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स। उसने कहा काश, एरम कहते काश मैं भी जान पाता कि कैसे अंडरस्टैंडिंग की जाए। उसने कहा तुम तो अभी छोटे हो, तुम्हें अभी टाइम लगेगा। उसके बाद घर चला गया, एरम कहता है मैं घर चला गया और मैंने बहुत अच्छे से हार्टी ब्रेकफास्ट लिया, बहुत अच्छे दिल से खाना खाया एंड उस आफ्टरनून क्या हुआ, अंकल खोसरो उनके घर आए कॉफ़ी सिगरेट के लिए और वो पार्लर में बैठे थे। पार्लर क्या होता है, लिविंग रूम, वो सिप कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ओल्ड कंट्री को याद कर रहे हैं। फिर कोई दूसरे विजिटर आ गए और उनका नाम था जॉन बायरो, एंड असीरियन थे ये अकेले रहते थे और अर्मेनियन सीख ली थी उन्होंने।
अब मदर एरम कह रहा है, मेरी मदर उनके लिए कॉफ़ी एंड टोबैको ले आई और उन्होंने सिगरेट स्टार्ट कर दी, सिप करने स्टार्ट कर दी, स्मोकिंग स्टार्ट कर दी और फिर साइड सैडली आहे भरने लगे और उन्होंने अब कहा, माई वाइट हॉर्स स्टोल समबड़ी हैज स्टोलन लास्ट मंथ और अभी तक नहीं मिला है मुझे, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हु डज आई स्टैंड फॉर, आई स्टैंड फॉर दैट फार्मर जॉन बायरो। अब मेरे अंकल जो है, क्योंकि अंकल की नेचर मैंने पहले बताई आपको प्रीवियस पेज पे कि ही वाज सो इरिटेबल शॉर्ट टेम्पर्ड और वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, फार्मर अपनी शिकायतें कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, उन्होंने कहा इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन व्हाट द लॉस ऑफ ए हॉर्स, ने कहा क्या हमने अपनी सारी ज़मीन नहीं खो दी है, क्योंकि वो वहाँ पर डिपोर्ट हुए थे, ने कहा क्या क्या ज़रूरत है हॉर्स पे चिल्लाने की। तो उसने कहा हाँ हाँ ये ठीक हो सकता है, जॉन बायरो ने कहा, लेकिन मेरी सरी क्या होती है घोड़ा गाड़ी जो हॉर्स ड्रैग करता है, उसने कहा हाँ सरी बेकार हो गई, व्हाट गुड इज़ अ सरी विदाउट हॉर्स, वो बेकार यूजलेस हो गई। तो अंकल खुसरो फिर से दहाड़े रोर किया उन्होंने, पे नो अटेंशन इट्स नो हार्म। जॉन बायरो ने कहा मुझे 10 माइल्स पाँव पे चलना पड़ा है, उन्होंने कहा फिर क्या हो गया, यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, उन्होंने कहा मेरी लेग्स में पेन होता है, उन्होंने कहा पे नो अटेंशन, उन्होंने कहा $60 की कोस्ट थी मेरे हॉर्स की। तो अंकल खुसरो और गुस्सा करने लगे, उसने कहा आई स्पिट ऑन मनी, आई डोंट वैल्यू मनी, और वो खड़े हो गए, ही स्टूड एंड स्टॉप्ड आउट ऑफ द हाउस, गुस्से में घमंड में स्लैम किया डोर को और बाहर निकल गया। ओके, मदर ने एक्सप्लेन किया कि ही इज सो जेंटल बाई हार्ट, ओके होम से क्या है, ही इज़ लार्ज मैन एंड ही रेफर्स टू अंकल खुसरो। नाउ फार्मर भी वहाँ से चला गया एंड भागता भागता एरम कहाँ पहुँचा, अपने कज़न मॉरेट के पास, और मॉरेट जो था ही वॉज ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन। अब कुछ लाइनों से हमें मॉरेट की क्वालिटीज़ पता लगती हैं, पिछली लाइन से वो बोल रहा था कि आई हैव ए वे विद हॉर्स, वहाँ से हमें पता लगता है कि वो बोस्टफुल है, अपनी शेखी मारता है, कई बातों से हमें पता लगता है कि वो इम्पल्सिव वियर्ड कैरेक्टर है, यहाँ से हमें पता लगता है वो काइंड हार्टेड भी है। यंग रॉबिन कौन होता है, एक बर्ड होता है, उसके हार्ट विंग्स को टेंड कर रहा है, ओके एज इफ ही वॉज टॉकिंग। तो उसने पूछा क्या हुआ एरम से, तो उसने कहा जॉन बायरो हमारे घर आया था और जॉन बायरो ने कहा कि मेरा हॉर्स 1 महीने से मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन तुम अभी मत देना, अभी डोंट रिटर्न द हॉर्स, क्योंकि अभी आई वॉन्ट टू राइड द हॉर्स। तो उसने कहा 1 साल तक मत देना, उसने कहा नहीं नहीं हम 1 साल नहीं रख पाएंगे, ओके 1 साल हम नहीं रख पाएंगे। एंड उसने कहा जैसे ही उसने कहा 1 साल, एकदम से मोरन जंप किया आउट ऑफ एस्टॉनिशमेंट, और क्योंकि उसने कहा कि क्या तुम घेरो गलेनियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो, हॉर्स शुड गो बैक टू इट्स ओनर, ओके उसने कहा कब, उसने कहा अच्छा चलो 6 महीने, ओके और उसने ये कहते हुए ही रिलीज द बर्ड इनटू द एयर, छोड़ दिया, ओके और बर्ड जो है बड़ी मुश्किल से 2 बार तो गिरा, लेकिन अल्टीमेटली इट फ्लू स्ट्रेट हाईली। ओके अर्ली मॉर्निंग एवरी 2 वीक्स वो क्या करते थे, हॉर्स निकाल लेता था मॉरेट बार में से डेजर्टेड विनयार्ड में जहाँ वो छुपाते थे, और फिर वो राइडिंग करते थे, और फिर जब तक उसकी टर्न आती थी एरम की, तो हमेशा हॉर्स क्या करता था, ग्रेप वाइन्स पे जंप करके स्मॉल ट्रीज की तरफ जाके और एरम को नीचे गिरा देता था, ओके और एरम एवरी टाइम एरम उम्मीद करता होप करता कि कभी तो ऐसा आएगा कि वो अकेला राइड करेगा। वन मॉर्निंग क्या हुआ, जब वो क्या कर रहे थे, वो रास्ते में थे पेतवाजीन के डेजर्टेड विनयार्ड के, तो जॉन बायरो उन्हें मिल गया, ओके और मॉरेट ने कहा मुझे बात करने दो जॉन बायरो से, मैं मुझे पता कैसे बात करनी है, उसने गुड मॉर्निंग की जॉन बायरो को, जॉन बायरो ने हॉर्स को अच्छे से स्टडी किया, एग्जामिन किया ईगरली एक्साइटमेंट्स में,
और उसने कहा गुड मॉर्निंग, और उसने कहा क्या तो क्या नाम है तुम्हारे हॉर्स का, वो पहचान तो गया था कि ये उसका हॉर्स है, फिर भी उसने पूछा। उसने कहा माई हार्ट माई कजन सेड इन आर्मेनियन, माई हार्ट क्या है, क्या बोला उसने, इट्स द नेम ऑफ माई हॉर्स। उसने कहा अच्छा अच्छा सो सच ए लवली नेम, ओके। एंड उसने कहा आई कुड स्वियर कि ये मेरा हॉर्स है, और कि कई वीक्स पहले ये मेरे में चुरा लिया गया था, क्या मैं उसके माउथ को देख सकता हूँ। और उसने जब उसके माउथ को एग्जामिन किया तो सेम टूथ फॉर टूथ, उसने कहा आई स्वियर इट्स माई हॉर्स, आई डोंट नो योर पेरेंट्स द फेम ऑफ योर फैमिली। उसने कहा कि यस यू आर नोन फॉर योर ऑनेस्टी, येट द हॉर्स इज ट्विन ऑफ माई हॉर्स, मैं यकीन करता हूँ कि यू कैन नॉट बी द थीव्स, लेकिन फिर भी ये हॉर्स मेरा है। एंड सस्पिशियस ही वॉज बिकमिंग सो सस्पिशियस के अपने आइज पे बिलीव कर रहा था इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। हार्ट कह रहा था कि देवर ऑनेस्ट, बट आइज कह रही थी कि देवर थीव्स। उसने कहा ओके गुड 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 डे यंग, वो चला गया वहाँ से, उसने भी उन्होंने भी गुड डे किया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जॉन बायरो के विनयार्ड में चुपचाप जाके हॉर्स को छोड़ आया मॉरेड, ओके। और डॉग्स थे वहाँ पर, डॉग्स उनके पीछे लग गए लेकिन चुपचाप। जैसे ही डॉग उनके पास आए, मॉरेड ने उसके समथिंग विस्पर समथिंग इनटू हिज ईयर्स, और उसने कहा, और एरम ने सोचा कि डॉग उन पर बाक करेगा, लेकिन जैसे ही मॉरेड ने उसके कान में विस्पर किया तो चुपचाप, ओके। उसने कहा कि डॉग अगर कोई और होता तो ये उस पर बाक करते, लेकिन बिकॉज आई हैव ए वे विद डॉग्स। नाउ दिस इज द थर्ड फोर्थ टाइम वो ये सेंटेंस बोल रहा है, पहले फार्मर्स, आई हैव वे विद फार्मर, आई हैव ए वे विद हॉर्स एंड नाउ डॉग्स, ओके। और उसके बाद क्या हुआ, मॉरेड ने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन प्रेस द हॉर्स इनटू इट्स नोज, पैट किया और फिर वहाँ उसको छोड़ के चले गए दोनों वापस आ गए। नाउ उस आफ्टरनून जॉन बायरो फिर से एरम के घर आया अपनी सरी में, सरी क्या बताया था मैंने, हॉर्स कैरेज, और अपने उसके एरम की मदर को दिखाया कि जो मेरे उसका हॉर्स चोरी हो गया था, इट वाज रिटर्न, ओके। उसने कहा आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, उसने कहा हॉर्स क्या कहूँ मैं, पहले तो मैं बड़ा परेशान था, लेकिन हॉर्स हैज़ बिकम स्ट्रोंगर, पहले से भी अच्छा, गुड टेम्पर्ड, आई थैंक गॉड, ओके। और अंकल जो थे जो पार्लर में बैठे हुए थे अभी भी एरम के घर के, वो इरिटेट हो गए इस बात से भी, किसी की भी बात सुन के वो इरिटेट हो जाते थे, और इसलिए इस बात पे भी इरिटेट हो गए और बोले योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन। फिर से उन्होंने अपना वही सेंटेंस बोल दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर, एंड विल मीट अगेन विद एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर, टिल देन बाय बाय। बट बिफोर सेइंग बाय, लेट मी वंस अगेन रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।